एंड शैम्पू से बालों को काला करने का, घना करने का, लंबा करने का एक ऐसा तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ जो आपने अगर आज से लगाना शुरू कर दिया तो आप खुद इसका रिजल्ट देखेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आपको चाहिए आपका रेगुलर शैम्पू, जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करते हो आपको वो ले लेना है। और यहाँ पे मैंने नेचुरल तरीके से 100% एकदम इतना इफेक्टिव बना लेंगे, आपके पास जो भी शैम्पू आप वो ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा शैम्पू एक से सिर्फ 1.5 चम्मच के करीब ही आपको लेना है। फ्रेंड्स इसमें हम जो है 4 से 5 चम्मच के करीब पहले हमें इसमें पानी मिला लेना है। आप चाहें तो रोज वाटर भी मिला सकते हैं। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ की समस्या हो रही है, आपके बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो आप रोज वाटर का इस्तेमाल कीजिए। आपके बालों में बहुत ज्यादा स्मेलिंग आती है, गर्मियों में क्या होता है स्मेल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आप यहाँ पे जो है रोज वाटर ले सकते हैं, पानी मत लीजिएगा। रोज वाटर जो है सिर में ठंडक देता है, हमारे बालों को एकदम से हमारी स्मेलिंग को खत्म करता है, बालों का झड़ना बंद कर देता है। इस तरीके से आप पहले शैम्पू में पानी डालकर इस तरीके से मिक्स कर लीजिए अच्छे से, और ये देखिएगा ये इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। अब आपको मैं इसमें बताती हूँ क्या डालना है। आपको डालना है इसके अंदर शिकाकाई का, ये मैंने हर्ब टॉनिक का शिकाकाई पाउडर लिया है इस तरीके से, ये देखिएगा। अब मैं यहाँ पे लूंगी 1 टेबल स्पून शिकाकाई पाउडर। फ्रेंड्स 1 टेबल स्पून शिकाकाई पाउडर लिया है। सेकंड इंग्रेडिएंट जो मैं आपकी इंग्रेडिएंट में मैं जो ले रही हूँ ये है भृंगराज पाउडर। और भृंगराज जो है हमारे बालों को ग्रो करने में, हमारे बालों को लंबा करने में, हमारे बालों को टूटने झड़ने से रोकने में बहुत ज्यादा मददगार होता है। भृंगराज जो है बालों की सारी समस्या को आपके दूर कर देगा। आपने देखा होगा मार्केट में जो शैम्पू वगैरह हमें मिलते हैं उसमें भृंगराज जरूर से पड़ा होता है, ऑयल वगैरह में आपने देखा होगा। भृंगराज जो है हमारे बालों का टूटना झड़ना भी बंद कर देगीगा। फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने भृंगराज पाउडर ले लिया। अब देखिएगा थर्ड इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो जटामासी पाउडर। देखिएगा फ्रेंड्स अगर आपके बालों में प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम है, आपके बाल कम उम्र में ही सफेद होना स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा सफेद हो गए, प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर हो गया, तो आप इसका 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आप जो है अपने बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं, आपके बाल टूटने बंद हो जाए, आपके बाल झड़ने बंद हो जाए, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके बाल किसी भी उम्र में व्हाइट हुए हैं, आपकी एज ज्यादा है, तो आप यहाँ पे भृंगराज तो जरूर से डालिएगा, वो जो है हरेज के लिए होता है। अगर आपके प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर हो गया तो ये तो आप जरूर से खरीद लीजिएगा। और जटामासी जो है हमारे प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर को बंद कर देता है, आपके बाल जो आ रहे हैं रिग्रो उनको आना बंद कर देता है, तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे बालों में इस तरह की कोई समस्या नहीं है तो मैं यही लूंगी। आपको क्या करना है इस तरीके से आप देखिएगा इतना रखिएगा, इससे ज्यादा आपको जो है पतला नहीं करना है, ना ज्यादा इसको गाढ़ा रखना है, इस तरीके से रखिएगा। अब ये जो है हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो गया। अब आपको स्कैल्प में अपने जड़ों में इसको जो है मसाज करते करते लगा लेना है। लगा के आपको वेट ड्राई कम से कम आप इसे 30 मिनट आपको रखना है। 30 मिनट के बाद में फिर नॉर्मल वाटर से आपको हेयर को वॉश कर लेना है। आप देखेंगे खुद रिजल्ट, आप इसका देखेंगे बहुत ज्यादा अमेजिंग आता है इसका रिजल्ट। आपके बाल टूटने झड़ने बंद हो जाते हैं, आपके बालों की सारी समस्या ये खत्म कर देता है, आपको बालों को काला घना चमकदार बनाता है। और फिर आपको नॉर्मल वाटर से हेयर को वॉश कर लेना है इस तरीके से। अगर आप वीक में 2 बार भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, बाल काले घने चमकदार बनेगा।